मैं बचपन से ही हनुमान चालीसा का पाठ करता था, पर मुझे इसका महत्व मालूम नहीं था। 12th के बाद मैं इंजीनियरिंग करने चला गया, वहां मैंने पाठ करना छोड़ दिया। फिर 2014 में जैसे तैसे मैंने बीटेक कंप्लीट किया, लेकिन बीटेक कंप्लीट करने के बाद मुझे कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही थी। मैं 2 बार बेंगलोर गया पर कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर मैंने बृहस्पति देव की कथा शुरू कर दी और उनके आशीर्वाद से 2019 नवंबर में LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर के पोस्ट पे मेरा गवर्नमेंट जॉब लगा। फिर वहां जाकर मैं गलत संगत में पड़ गया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे शराब की लत लग गई थी, मैंने पूजा पाठ करना छोड़ दिया था। फिर 4 महीने में कोरोना आ गया और लॉकडाउन हो गया। वो टारगेट वाला जॉब था, इसलिए नवंबर 2020 में रिजाइन कर दिया। मैं बस यही सोच रहा था कि ना जाने कौन से पाप की सजा मिल रही है मुझे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब छोड़नी पड़ी। मैं इतने साल से बेरोजगार था, एक जॉब लगा पर वो भी छोड़ना पड़ा। मैं घर आकर फिर से पढ़ाई करने लगा। फिर उसी टाइम अप्रैल 2021 में मुझे और मेरी पूरी फैमिली को कोरोना हो गया। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, मैंने भोलेनाथ की भक्ति करनी शुरू कर दी। उनकी कृपा से ही हम सब ठीक हो गए। फिर मुझे आपका चैनल मिला और ये वो क्षण था जिससे मेरा जीवन बदलने वाला था। आपकी वीडियोस की वजह से मैं हनुमान जी की शरण में आया। आप मानोगे नहीं, धीरे धीरे 2 महीने के भीतर ही मेरी शराब की लत तो दूर, मेरा नॉनवेज खाना भी छूट गया और अंदर से मुझे बहुत पॉजिटिव महसूस हो रहा था। फिर मैंने SBI का एग्जाम दिया पर फाइनल सिलेक्शन 0.25 मार्क से रह गया। मैं बहुत रोया कि इतने साल से बेरोजगार हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उस टाइम मुझे मालूम नहीं था कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए कुछ और सोच रखा है। मैंने 2 बार 21 दिन का संकल्प लिया और पाठ करता गया और धीरे धीरे रास्ते आसान होते गए। आप मानोगे नहीं, IBPS PO जो कि एक बैंक में ऑफिसर का एग्जाम है जो आज तक शनिवार और रविवार छोड़कर दूसरे दिन नहीं हुआ, पर इस बार उसका फाइनल एग्जाम मंगलवार को हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब मेरे प्रभु मेरे लिए कर रहे हो। मैंने प्रभु का नाम लेकर एग्जाम दिया और जगन्नाथपुरी गया दर्शन करने। वापस आके फिर से 21 दिन का संकल्प लिया। संकल्प खत्म होने के 3 दिन बाद फाइनल रिजल्ट आना था। 1 अप्रैल 2022 आखिर वो दिन आ ही गया। उस दिन मैंने 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और रमना मैदान के हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रभु के सामने बैठ कर रिजल्ट चेक किया। मेरे तो ये लिखते हुए भी आंसू आ रहे हैं। उस दिन मुझे प्रभु ने एक नहीं, 2-2 गवर्नमेंट जॉब के ऑफर्स दे दिए। मेरा सिलेक्शन यूको बैंक में ऑफिसर के लिए हुआ और PNB में क्लर्क के लिए। ये सब प्रभु की कृपा से ही हुआ है। मैं रोज सारंगपुर हनुमान दादा के लाइव दर्शन भी करता हूँ और आरती भी देखता हूँ। मैं अपने प्रभु की कृपा को शब्दों में कैसे बताऊँ। आज मेरे पास प्रभु का बखान करने के लिए शब्द कम पड़ गए हैं। 8 साल बीटेक करने के बाद की बेरोजगारी प्रभु की शरण में आते ही खत्म हो गई। तो देखा आपने, अगर कोई भक्त पूरे विश्वास के साथ प्रभु का 21 दिन का संकल्प लेता है तो क्या कुछ संभव नहीं होता। प्रभु की शरण में जाने के बाद भक्तों का पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है और हमारे हनुमान जी तो करुणा के सागर है, वे अपने सच्चे भक्त को सही मार्ग पर लाते ही है।